नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मथुरा वृंदावन से, जहां पर प्रेम मंदिर और श्री कृष्ण जन्म स्थान को उड़ाने की धमकी मिली थी। जी हां, आपको बता दें कि वृंदावन इलाके में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि यह एक इनामी बदमाश है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। वो इतना खतरनाक था कि उसने प्रेम मंदिर और श्री कृष्ण जन्म स्थान को उड़ाने तक की धमकी दे दी थी। पुलिस मुठभेड़ में घायल यह बदमाश अजय राजौरा है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस बदमाश ने प्रेम मंदिर के रिसेप्शन पर 8 अगस्त को फोन कर प्रेम मंदिर और श्री कृष्ण जन्म स्थान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस और खुफिया एजेंसी लगातार इस बदमाश की तलाश में लगी हुई है। इस बदमाश ने जिस फोन से धमकी दी थी, वह गोविंद नगर इलाके के रहने वाले ऑटो चालक का था। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक अनजान शख्स वृंदावन घूमने के बहाने उसके पास आया था और उसे चकमा देकर उसका फोन लेकर फरार हो गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान और प्रेम मंदिर को उड़ाने की धमकी से पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए थे। लगातार बदमाश की तलाश में पुलिस और खुफिया एजेंसी लगी हुई थी, लेकिन सुराग नहीं मिल पा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर वृंदावन पुलिस ने जैत इलाके में बदमाश की घेराबंदी की। बदमाश ने भी पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस ने भी जवाब के बदले में बदमाश पर फायरिंग की, जिस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश अजय उर्फ अज्जू राजौरा के पैर में गोली लगी और आखिरकार पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्त में ले ही लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। क्या है पूरा मामला? ये वृंदावन पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद जो 25,000 का इनामी है अजय राजौरा सनो मक्खनलाल, जो कि इंदौर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाँव में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। उसके तुरंत बाद उसे उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भेज दिया गया है और उससे एक मोटरसाइकिल, अवैध हथियार, कुछ जिंदा कारतूस और कुछ चले हुए कारतूस बरामद हुए हैं। अगर बात करें तो किस मामले में ये बात ये व्यक्ति वही है जिसने 8 तारीख को प्रेम मंदिर और आपके केजेस को बम से उड़ाने के लिए धमकी दी थी। उसके बाद से 4 टीमें इसके लिए बनाई गई थी, इसकी धरपकड़ के लिए, और उसी के बाद इसको पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई गई थी उन्हीं के द्वारा कार्रवाई की गई है। लगातार ये धमकी दे रहा था, पिछले एक बार और पहले धमकी दे चुका है। हाँ, ये एक बार पहले भी धमकी दे चुका है। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये दूसरे व्यक्तियों के साथ जो यहाँ पे हैं उनके मोबाइल लूट लेता है और फिर उन मोबाइल को लूट लेने के बाद उन्हीं मोबाइल को यूज़ करता है धमकी देने के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।